नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शुमार आईआईटी बॉम्बे में पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा कांड सामने आया है। वहां के कैंटीन का कर्मचारी रात में गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में झांक रहा था, तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा कि बीएमसी की परमिशन मिले या नहीं वो शिवाजी पार्क मैदान में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली करेगी। वहीं प्रदेश में अब बाघों को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही चंद्रपुर जिले से नवेगांव नागजीरा टाइगर प्रोजेक्ट में बाघ का स्थानांतरण शुरू करने वाली है। तो उधर मुंबई में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की झूठी अफवाहों से हंगामा मचा हुआ है। बच्चा चोरी के डर से पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं। इस बीच राकांपा नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए पत्र लिखा है कि ठाणे शहर में आपके निजी आवास के सामने सड़क पर गड्ढे नहीं भरे गए हैं, पहले उसे तो भरवा लीजिए। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शुमार आईआईटी बॉम्बे में पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा कांड सामने आया है। आईआईटी कैंटीन का कर्मचारी रविवार रात गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में झांक रहा था। शोर मचाने पर हॉस्टल की बाकी छात्राएं और छात्र जमा हो गए। आरोपी को पकड़ छात्रों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। छात्राओं ने आरोपी पर वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। पवई पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि वीडियो बनाने की पुष्टि नहीं हुई है। बवाल के बीच आईआईटी ने बयान जारी कर सफाई दी है। आईआईटी प्रशासन का कहना है कि हम छात्राओं की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करते हैं। सतर्कता के चलते ही आरोपी पकड़ा गया। विदित हो कि मोहाली स्थित सीयू की कुछ छात्राओं का एमएमएस लीक हुआ है। आरोपी छात्रा और उसके दोस्त की गिरफ्तारी और वार्डन के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद सीयू छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आईआईटी प्रशासन ने बताया कि मामला हॉस्टल 10 का है। पेस्ट कंट्रोल के लिए रविवार को कैंटीन बंद थी। कैंटीन कर्मचारी रात में हॉस्टल परिसर में ही रुके थे। आरोपी संभवतः पाइप डक के सहारे बाथरूम की खिड़की पर पहुंचा। खिड़की पर प्लेटफॉर्म जैसा बना है जहां से वो बाथरूम में झांक रहा था। ये महिलाओं के निजी स्पेस का उल्लंघन है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। आईआईटी प्रवक्ता ने बताया कि हॉस्टल 10 की कैंटीन बंद कर दी गई है। अब ये तभी खुलेगी जब महिला कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। बिल्डिंग के बाथरूम में बदलाव की मांग भी की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि पाइप डक्ट में जो गैप थे वो भी भर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर घमासान जारी है। दशहरा रैली को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा कि बीएमसी की परमिशन मिले या नहीं वो शिवाजी पार्क मैदान में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली करेगी। मुंबई के पूर्व महापौर मिलिंद वैद्य के नेतृत्व में शिवसेना नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में बीएमसी के अधिकारियों से मुलाकात कर रैली आयोजित करने की इजाजत के लिए उनके आवेदन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। मिलिंद वैद्य ने कहा कि हमें इजाजत मिले या नहीं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कार्यकर्ता रैली के लिए शिवाजी पार्क में इकट्ठा होंगे। प्रशासन हमें रैली की इजाजत दे या ना दे, हम शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए अपने निर्णय पर बहुत दृढ़ है। अगर हमें रैली को लेकर कोई जवाब नहीं मिला तो भी बाला साहब के शिवसेना कार्यकर्ता दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में मौजूद होंगे। बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे खेमा ने इजाजत मांगी है। शिवसेना अपनी स्थापना के समय से ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को आयोजित करती आई है। अभी तक बीएमसी ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है। दोनों गुटों ने विकल्प के रूप में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए मैदान में रैली करने की इजाजत को लेकर भी आवेदन किया है। महाराष्ट्र में अब बाघों को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही चंद्रपुर जिले के नवेगांव नागजीरा टाइगर प्रोजेक्ट में बाघ का स्थानांतरण शुरू करने वाली है। राज्य में यह बाघों का इस प्रकार का पहला वैज्ञानिक संरक्षण पुनर्वास होगा। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक बाघ वाले इलाकों में बाघों की आबादी को कम करना, मानव पशु संघर्ष को कम करना और उन इलाकों में बाघों को दोबारा लाना है जहां इन मांसाहारियों की संख्या कम है। महाराष्ट्र वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना के लिए इस महीने की 15 तारीख को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जरूरी इजाजत मिली थी जो कुछ समय से ड्राइंग बोर्ड पर है। वन्य जीव के प्रधान मुख्य संरक्षण सुनील निमये ने बताया कि ये राज्य में इस तरह का पहला संरक्षण स्थानांतरण किया जाएगा। वैज्ञानिक जनसंख्या प्रबंधन के लिए ब्रह्मपुरी वन प्रभाग से 4 से 5 युवा मादा बाघों को एनएनटीआर में स्थानांतरित करने की योजना है।
हम पहले दो बाघों को छोड़ेंगे, इस दौरान उन पर नजर रखेंगे और एक बार जब वे बस जाएंगे तो अन्य को रिहा किया जाएगा। इस परियोजना की सफलता से बाघों की भीड़भाड़ वाले लैंडस्केप से NNTR और सह्याद्री बाघ परियोजना जैसे इलाकों में स्थानांतरित होने की संभावनाएं खुल जाएंगी, जिनमें इन मांसाहारी की संख्या कम है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की झूठी अफवाहों से हंगामा मचा हुआ है। मुंबई में बच्चा चोरी के डर से पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं। मुंबई में करीब 92 पुलिस स्टेशनों में बच्चे चोरी होने की अफवाहों की शिकायतें दर्ज कराई गई है। इसी वजह से बच्चों के पेरेंट्स अलग अलग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप में बच्चे के किडनैपिंग की अफवाह वाले मैसेज से डर रहे हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल ने सभी जोनल DCP को सभी झूठी अफवाहों से सख्ती निपटने के आदेश दिए हैं, साथ ही सामाजिक अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि फेक किडनैपिंग मैसेज पूरे मुंबई में वायरल हो गए हैं और करीब हर पुलिस स्टेशन को इसी तरह की शिकायतें और वायरल मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ये एक अफवाह है। हम इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। मैंने हर जोनल DCP को स्थानीय लोगों के साथ बैठक करने और ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि ऐसी अफवाहें ना फैले। मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों सांगली जिले में 4 साधुओं को पीटने की घटना के बाद ऐसी अफवाहें फैलने लगी है। 4 साधुओं को बच्चा चोरी की अफवाहों पर पीटा गया था। वही विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन सीनियर PI राजीव चौहान ने बताया कि बच्चा चोरी की पहली घटना कुरला में दर्ज की गई थी, इसके बाद से लोगों में दहशत है। महानगर में सड़कें इतनी बदहाल हो गई है कि जनता बेहाल है। इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता अजित पवार ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ध्यान ही नहीं खींचा, बल्कि उनसे कहा है कि ठाणे शहर में आपके निजी आवास के सामने सड़क पर गड्ढे नहीं भरे गए हैं, कम से कम वे अपने घर के सामने वाली सड़क के गड्ढे तो भरवाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई बार जनता को गड्ढे मुक्त सड़क देने की घोषणा कर चुके हैं। पवार ने CM को पत्र लिखा है कि आपकी घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। मुंबई सहित राज्य की सड़कों का बुरा हाल है, हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे यानी मुंबई नासिक हाईवे पर लोग जान हथेली पर लेकर यात्रा करने पर मजबूर है। इसी सड़क की मरम्मत और अन्य समस्याओं का तत्काल हल निकाले। पवार ने पत्र के शुरू में कहा कि मॉनसून की शुरुआत के बाद से ही सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है। बता दें कि ठाणे में प्रवेश करने के बाद आनंद नगर टोल नाका से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लुइसवाड़ी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का निजी निवास है। उसी सड़क के गड्ढे की शिकायत को आधार बनाकर अजित पवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। बीच में उनकी तबीयत में सुधार की खबर भी आई थी, लेकिन अब उनके निधन की दुखद खबर ने सबको बड़ा सदमा दे दिया है। तो PMCARES फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नए सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें उद्योगपति रतन टाटा समेत कई लोगों को ट्रस्टी बनाया गया है। वही गुजरात में विधानसभा चुनाव में अभी 3 महीने की देरी है, राजनीतिक दल सक्रिय है। इसी दौरान भरूच में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत करीब 300 मुस्लिम कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। चर्चा भी तेज है कि सेना में जारी उन सभी परिपाटियों को खत्म करने की तैयारी चल रही है जो हमें अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से मुलाकात की और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार शहर में सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन गैर सरकारी संगठनों की जगह एक प्रतिबंधित कंपनी को सौंपने की योजना बना रही है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। पारिवारिक सदस्यों ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। गत 10 अगस्त को जिम में कसरत करते हुए उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसके बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती किया गया था। हालत में सुधार न होने पर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। इलाज के दौरान उनकी तबीयत में सुधार की खबर आई थी, लेकिन अब उनके निधन की दुखद खबर ने सबको बड़ा सदमा दे दिया है। राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एक होटल में रुके थे और वहीं के जिम में वो वर्कआउट कर रहे थे। वर्कआउट के दौरान वो ट्रेडमिल पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत एम्स में भर्ती कराया गया, जहां कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज चल रहा था। राजू के करीबियों ने जानकारी दी थी कि उनको ब्रेन इंजरी भी हुई थी। हार्ट अटैक के बाद गिरने से काफ़ी देर तक दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि उनको होश में आने में वक्त लग सकता है। इलाज के बीच उनकी बॉडी में कुछ मूवमेंट की रिपोर्ट्स भी थी। राजू श्रीवास्तव कई पॉपुलर शोज में काम कर चुके थे। वो देश के पॉपुलर कॉमेडियन थे। उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, बिग बॉस, शक्तिमान, कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो जैसे शोज किए। इसके अलावा वो बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके थे, जैसे मैंने प्यार किया, तेजा, बाजीगर आदि।
हाल ही में वो इंडियन लाफ्टर चैंपियन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आए थे। पीएम केयर्स फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने नए सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें उद्योगपति रतन टाटा समेत कई लोगों को ट्रस्टी बनाया गया है। वहीं सुधा मूर्ति को सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नए नामित ट्रस्टी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने केयर्स फंड में योगदान के लिए भारतीयों की तारीफ की है। बैठक में फंड की मदद से किए गए पहल की जानकारी दी गई। इसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम भी शामिल रही, जिसके जरिए 4,345 बच्चों की सहायता की जा रही है। पीएम का कहना है कि नई ट्रस्टी और सलाहकारों के आने से पीएम केयर्स फंड के काम को नया नजरिया मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस, पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा और उद्योगपति रतन टाटा ट्रस्टी के तौर पर पीएम केयर्स फंड में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद ट्रस्ट की तरफ से सलाहकार समूह में सदस्यों को नामित किया गया। इनमें पूर्व कैग राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, इंडिकॉर्प्स और पिरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह का नाम शामिल है। बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड की शुरुआत 28 मार्च 2020 में की गई थी। ये फंड पूरी तरह से लोगों या संगठनों की तरफ से मिलने वाले ऐच्छिक सहयोग से काम करता है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में अभी 3 महीने की देरी है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही यहां प्रचार जोर पकड़ चुका है, तो पार्टियां अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी बीच भरूच में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत करीब 300 मुस्लिम कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये मुस्लिम नेता भाजपा में ऐसे समय पर शामिल हुए हैं जब पार्टी अल्पसंख्यक मित्र प्लान पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भरूच से करीब 19 किलोमीटर दूर अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले बम्बूसर गांव में ये समारोह हुआ, जिसमें भाजपा के महासचिव दिग्विजय सिंह चुड़ासमा, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता सलीम खान पठान और मुस्तफा खोड़ा शामिल थे। विधायक अरुण सिंह राणा ने मुसलमानों के पार्टी से जुड़ने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं रोमांचित हूँ क्योंकि मुसलमानों ने बीजेपी में शामिल होने के लिए हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया है। भरूच कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, लेकिन लोग अब उस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास चाहिए। समारोह के दौरान गाँव के एंट्री गेट पर भाजपा का झंडा लगाया गया। भाजपा के नए सदस्य बम्बूसर गाँव के अलावा वेल्दिया, वालेज, सेगवा, काहन, चिपोन, लुवारा, जानोद, समरोद, कोठी गांव के हैं। राणा ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यदि कोई हमसे संपर्क करता है तो हम विकास कार्यों के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत के निशान रेड क्रॉस को हटा दिया गया है। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि सेना में जारी उन सभी परिपाटियों को खत्म करने की तैयारी चल रही है जो हमें अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है। आने वाले समय में सैनिकों की वर्दी समारोहों के साथ साथ रेजिमेंटों और इमारतों के नाम में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आज होने वाली एक बैठक में सेना के एडजुटेंट जनरल प्रचलित रीति रिवाजों, पुरानी प्रथाओं और नीतियों की समीक्षा करेंगे। सेना के सूत्रों ने कहा कि केवल एजेंडा नोट के प्रचलन का मतलब ये नहीं है कि सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। किसी भी परिवर्तन के क्रियान्वित में लाने से पहले उस पर विस्तार से बहस की जाएगी। समीक्षा बैठक के एजेंडा नोट के मुताबिक ये पुराने और अप्रभावी प्रथाओं को हटाने का समय है। पिछले साल संयुक्त कमांडरों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों में सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और रीति रिवाजों के स्वदेशीकरण पर जोर दिया था। उन्होंने तीनों सेनाओं को उन प्रणालियों और प्रथाओं से छुटकारा पाने की सलाह दी थी जिनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। देश में आज भी कई इमारतों, सड़कों और पार्कों के नाम ब्रिटिश कमांडरों जैसे सर क्लाउड ओचिनले और हर्बर्ट किचनर के नाम पर है। आने वाले समय में इन नामों को भी बदला जा सकता है। कांग्रेस नेताओं ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार शहर में सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन गैर सरकारी संगठनों की जगह एक प्रतिबंधित कंपनी को सौंपने की योजना बना रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गैर लाभकारी समूहों को उनके प्रबंधन से हटाकर एक कंपनी को शौचालयों की जिम्मेदारी सौंपने की दिल्ली सरकार की योजना में भ्रष्टाचार का दावा किया। दिल्ली कांग्रेस के एक बयान में कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने एलजी को एक ज्ञापन सौंपा और पब्लिक टॉयलेट में वेस्टर्न टॉयलेट सीट लगाने के लिए दिल्ली सरकार की कॉन्ट्रैक्ट की जाँच की मांग की। अनिल कुमार ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि जिस कंपनी को उन्होंने खुद प्रतिबंधित किया है अब उसे टेंडर क्यों दिया जा रहा है।
कुमार ने आंकड़े देते हुए कहा कि 18 अगस्त को 559 सार्वजनिक सुविधा परिसरों में 18,620 शौचालयों के निर्माण के लिए एक डिबार्ड कंपनी को ठेका देने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली सरकार टेंडर जारी करने के लिए पारंपरिक ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट के बजाय GEM पोर्टल पर गई और सीधे एक प्रतिबंधित कंपनी को ठेका देने की पेशकश की। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्रालय के कड़े विरोध के बाद चीन के एशियाई नाटो कहे जाने वाले ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को आज संबोधित करेंगे। तो पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा ने बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विरुद्ध देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस संबंध में जल्द महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। तो उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप में हुए विवाद के बाद से जो जुबानी जंग शुरू हुई है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच इसराइल के पुरातत्वविदों की एक टीम को एक ऐसे गुफा की खोज की है जैसे 3,300 साल पहले सील कर दिया गया था। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्रालय के कड़े विरोध के बाद भी चीन के एशियाई नाटो कहे जाने वाले ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को आज संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है और नेपाली राष्ट्रपति इसमें ऑनलाइन हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के इशारे पर नाचने वाले KP शर्मा ओली की करीबी है। खबरों के मुताबिक नेपाल ने अभी तक चीन के GSI को मंजूरी नहीं दी है, जबकि ड्रैगन की ओर से इसको लेकर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशिया में नाटो और क्वाड से निपटने के लिए बोआओ फोरम में GSI का ऐलान किया था। दरअसल नेपाल की आधिकारिक नीति भारत की तरह से ही गुटनिरपेक्षता की रही है और उसने अभी तक किसी भी सुरक्षा गठबंधन या पहल में हिस्सा नहीं लिया है। इससे पहले जुलाई महीने में नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खटका ने संसद को बताया था कि नेपाल अमेरिका के नेतृत्व वाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इसके सैन्य पहलू पर आपत्ति जताई थी। इसी बीच हाल ही में नेपाल में चीन के दूतावास ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय विभाग GSI का एक कार्यक्रम आज आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा ने बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विरुद्ध देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि PM शहबाज ने अपने बड़े भाई व भगोड़े पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर लंदन में विचार विमर्श कर संविधान के प्रति शपथ तोड़ी है। पंजाब के संसदीय कार्य मंत्री बशारत रजा ने विधानसभा में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह का प्रस्ताव पेश किया था। पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी और उसकी सहयोगी PMLQ की गठबंधन सरकार है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 2 दिन पूर्व PM शहबाज ने लंदन में भगोड़े पूर्व PM नवाज शरीफ से नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर विचार विमर्श किया है। ऐसा करके उन्होंने न केवल संवेदनशील मामलों को किसी से शेयर न करने की शपथ का उल्लंघन किया है बल्कि सैन्य प्रतिष्ठान का भी अपमान किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में भाग लेने लंदन गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। नवाज शरीफ नवंबर 2019 में स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट से 8 माह की जमानत हासिल कर इलाज कराने लंदन गए थे। तब से वो वापस पाकिस्तान नहीं लौटे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध अब तक समाप्त नहीं हुआ है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बड़ा बयान सामने आया है। उनका मानना है कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में शुरू हुए युद्ध को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया कि रूसी नेता युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के इस महीने अपने क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के साथ तुर्की नेता ने संकेत दिया कि रूस के लिए चीजें काफी समस्याग्रस्त है। एर्दोगन ने पिछले हफ्ते उज्बेकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत व्यापक चर्चा करने की भी बात कही। उस आधार पर तुर्की नेता ने कहा कि उन्हें ये आभास हुआ कि रूसी राष्ट्रपति युद्ध का शीघ्र अंत चाहते हैं और इसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच 200 बंधकों का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा एर्दोगन ने इस बारे में कोई भी और विवरण नहीं दिया कि इस तरह के कैदी की अदला बदली में कौन शामिल होगा। बता दें कि एर्दोगन ने युद्ध के दौरान बार बार मध्यस्थता करने की मांग की है।
रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध करते हुए नाटो सदस्य तुर्की के लिए संतुलित रूख को बढ़ावा दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में मदद की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एशिया कप में हुए विवाद के बाद से जो जुबानी जंग शुरू हुई है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। ड्यूरेंट लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच शुरू हुई दशकों पुरानी दुश्मनी अब आपसी व्यापार, बाहरी मुल्कों के साथ संबंध और क्रिकेट में भी झलक देखी जा रही है। कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी मौलाना ने अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी का नाम बदलने को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में तालिबान ने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बदल दिए जाने की बात कही है। तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद नबी का नाम बदलने जाने को लेकर अब पाकिस्तान को ऐसी बात कह दी है जो शायद ही किसी पाकिस्तान को पसंद आएगी। मोहम्मद नबी के नाम बदलने के पाकिस्तानी मौलाना के सुझाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तालिबान के शीर्ष कमांडर जनरल मुजीब ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान कहा कि पाकिस्तान को मोहम्मद नबी की जगह कायदे आजम का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि वो एक शराबी इंग्लिश मैन थे। जनरल मुजीब ने कहा कि कायदे आजम केवल पैगंबर मोहम्मद है, जिन्ना नहीं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जबकि वहाँ इस्लामिक कुछ भी नहीं है। बता दें कि एशिया कप के सुपर चार के मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक विकेट से हरा दिया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच जमकर बवाल हुआ। इसराइल के पुरातत्वविदों की एक टीम को एक ऐसे गुफा की खोज की है जैसे 3,300 साल पहले सील कर दिया था। इस गुफा में कई प्राचीन चीजें मिली है। इसमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कांस्य कलाकृतियां शामिल है। ये गुफा राजधानी तेल अवीव के दक्षिण में एक समुद्र तट से कुछ गज की दूरी पर स्थित है। इस गुफा को रामेसेस द्वितीय का बताया जा रहा है। रामेसेस को रामेसेस या रामेस भी कहा जाता है। रामेसेस ने प्राचीन मिस्र के इस इलाके पर, जो कि अब इसराइल है, 1279 से 1212 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। टीम को रामसेस के समय के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कांसे की कुछ कलाकृतियां भी मिली है। गुफा में मिले बर्तनों में कई कटोरे भी हैं, जिनमें कुछ पर लाल पेंट है। वही कुछ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन भी हैं। तो कई ऐसे बर्तन हैं जिनमें सामान को सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही पुराने तरीके के लैम्प, तीर और भाले भी मिले हैं। वही एक इंसानी हड्डियों का ढांचा भी गुफा में मिला है। गुफा में कुछ शिल्प ऐसे भी हैं जो स्थानीय नहीं है। कुछ मिट्टी के बर्तनों का निर्माण सीरिया, लेबनान और साइप्रस में किया गया हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये सारा वो सामान है जो मृतक के साथ उनकी अंतिम यात्रा पर जाने के लिए दफन किया जाता है। इन्हें लगभग 3,300 साल पहले रखा गया था और इन्हें किसी ने नहीं छुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि मृत्यु के बाद मृतक के पास ये सामान छोड़ दिए गए थे। तो वीकेबी न्यूज की आज की इस खास पेशकश में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।